जब करेंगे गर्मियों के मौसम में तो होगा क्या, ज्यादा मेहनत करने से हमारी बॉडी से निकलेगा पसीना, और पसीना जब निकलेगा तो पसीना के अंदर निकलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके अंदर मुख्य रूप से सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। सोडियम साधारणतः नमक जो होता है वो हमारी बॉडी से निकलता है, सोडियम मैग्नीशियम और पोटेशियम बॉडी के अंदर जब निकलते हैं पसीने के थ्रू, तो हमारी बॉडी का जो सीएनएस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो लो हो जाता है, स्लो हो जाता है। जब सोडियम निकलने की वजह से हमारा सीएनएस सिस्टम लो हो जाता है तो क्या होता है, हमारा रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है। अब रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है तो होता क्या है कि हम जो आने जो इसके अंदर तीन इवेंट करने वाले हैं, एक इवेंट है हमारी रनिंग की 800 मीटर की, एक इवेंट है हमारी लॉन्ग जंप की, और एक इवेंट है शॉर्ट पुट की। तो रनिंग इवेंट मिडिल डिस्टेंस की, उसके अंदर आपको पर्याप्त समय मिलता है परफॉर्मेंस देने के लिए, लेकिन शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप बस्टिंग एकदम विस्फोटक शक्ति का प्रदर्शन करती है, 4 से 5 सेकंड के अंदर पूरी कंप्लीट इवेंट हो जाती है। हम लॉन्ग जंप का रनवे स्टार्ट करने से लेकर लैंडिंग तक देखेंगे तो 4 या 5 सेकंड में पूरी कर चुके होते हैं,